Hello everyone, today I'm going to talk about focus. आज का निमोनिक है focus, F-O-C-U-S, एकदम शॉर्ट, पांच ही अल्फाबेट्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत बार टैलेंटेड लोग, मेहनती लोग और सारे रिसोर्सेज जिनके हाथ में, ऐसे लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि एक चीज नहीं होती, फोकस। मेरे स्टूडेंट्स को देने का मेरा फेवरेट एग्जाम्पल फोकस का है, आपने शायद बचपन में किया भी होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कांच होती है ना, वो कांच को अगर एक सही एंगल पे पकड़ते तो ऊपर जो लाखों किलोमीटर दूर सूरज है उसकी एनर्जी आप उस कांच के थ्रू नीचे के कागज पे ट्रैप कर सकते हो और वो पूरा कागज जल जाता है उसको हाथ लगाए बिना। दैट इज द पावर ऑफ फोकस। तो आप में से जिनको भी फोकस, एक चित्त, एकाग्र होकर काम करने के फायदे नहीं पता, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। और आपके अंदर जितनी भी टैलेंट है, जितनी भी मेहनत करने की ताकत है, वो सब के साथ अगर ये फोकस जुड़ जाए ना, बस आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, आप सफल बनोगे, ये 100% 100% फैक्ट। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, एफ फोकस का एफ है फाइंड योर पैशन। आपको किस चीज का जुनून है, आप किस चीज को करते 24 घंटे काम करेंगे तो भी थकोगे नहीं, आपको दिन रात मेहनत करने को बोला तो भी वो काम करने में आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी, आपको बिल्कुल इरिटेट नहीं होगा, चिड़चिड़ नहीं होगी, ऐसा पैशन ढूंढिए और आप फिर वो पैशन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें करियर बनाने का पूरा मन बना लीजिए। फाइंड योर पैशन हो गए सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा ओ, ऑर्गेनाइज योर रिसोर्सेस। अब अगर आपको किसी फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए आपको कैपिटल यानी पैसा लगेगा, आपको शायद बैंक से लोन लेना पड़ेगा, आपको शायद अपने घर वालों की, रिश्तेदारों की मदद लेनी पड़ेगी, आपको किसी से शायद कोई फर्नीचर या कोई जगह उधारी पे लेनी पड़ेगी। ये सारी रिसोर्सेज पहले क्या है उसको लिस्ट आउट कीजिए। जिस किसी फील्ड में जाना है, आपको फोटोग्राफी में करियर करना है, आपको अगर कोई लेट्स से यूट्यूबर बनना है, आपके पास क्या रिसोर्सेस है, आपके पास क्या क्या स्रोत है जिनसे आपका ये सपना पूरा हो सकता है, पहले उन्हें ऑर्गेनाइज कीजिए, वो एक लिस्ट बनाइए। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको जिस किसी फील्ड में जाना है, आपको पढ़ना लिखना है, आपको डांस में करियर करना है, आप पहले अपने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कीजिए। ऐसे ही चल पड़ता हूँ रास्ते में, फिर देखता हूँ कौन मिलता है, ये पागलपन वाली बात है, ये मत कीजिएगा। ऑफकोर्स ऐसा करके भी लोग सक्सेस हासिल कर चुके हैं, बट तकलीफें बहुत है, उससे अच्छा प्लानिंग करके जाओ तो बेटर है, ठीक है। देन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। देन फोकस का सी, चैलेंज द स्टेटस को, चैलेंज द स्टेटस को। स्टेटस को मतलब जैसे थे, अब जैसे थे आपके फैमिली में, आपके खानदान में, आपके आस पड़ोस में, किसी ने भी आज तक स्पेस में जाने का सपना देखा नहीं, आपने देखा, सो व्हाट। आज जितने भी एस्ट्रोनॉट है ना, जितने भी स्पेस के साइंटिस्ट है, उनमें से किसी के भी खानदान में कोई भी स्पेस में पहले गया नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया ये करना है और उन्होंने उस स्टेटस को, जो ऐसा लॉक है, चक्का जाम है, उसको चैलेंज किया और उसको तोड़ा। कितने तो भी ऐसे परिवार है जहां पर, कितने तो भी ऐसे गांव है जहां उस समाज के, कोई पिछड़ा हुआ समाज है, कोई ऐसे समाज के लोगों ने आज तक वहां की कोई लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, पहली कोई तो निकली। तो आप ये मत सोचिए कि आज तक कोई नहीं कर पाया तो आप नहीं कर पाएंगे। यू माइट बी द फर्स्ट, यू माइट बी द ट्रेल ब्लेजर, यू माइट बी दैट पर्सन। आप वो एक इंसान रहोगे जो पूरे उस समाज के, उस गांव के, वहां के सारे ये नियम तोड़ ताड़ के आगे बढ़ जाओगे और आप मिसाल बन के कायम रह जाओगे। कोशिश करके देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। इतना ही नहीं, आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है मेरे प्यारों, कि यू से, फोकस का यू, अनलीश द जायंट विद इन। आप सबके अंदर इतनी ताकत भरी हुई है, आप चाहे तो साम्राज्य बना सकते हो, आप चाहे तो बड़े बड़े से करोड़ों के बिजनेसेस बना सकते हो, आप चाहे तो फेमस टीचर बन सकते हो, आप चाहे तो दुनिया के सबसे बेस्ट सिंगर बन सकते हो, आप चाहे तो माइकल जैक्सन से भी बेटर डांसर बन सकते हो। यू ऑल हैव दैट पावर विद इन यू। वो सेल्फ बिलीफ आना जरूरी है, एक बार वो बिलीफ आया फिर उसके लिए फट्टे तक मेहनत करने की तैयारी चाहिए, और जो आपने डिसाइड किया उसके लिए मर 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 मर
मेहनत करने की तैयारी आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर, सबके अंदर एक जायंट छुपा हुआ है, एक सुपर पावर है जो उधर से ऊपर से हमारे वैश्विक ताकत से, यूनिवर्स से आती है। तुम, मैं, हम सब जुड़े हुए हैं। कुछ लोग उस पावर को टैप कर लेते हैं, लाइफ में नाम बना लेते हैं। कुछ लोग उस पावर को पहचान ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते, और जिंदगी भर 9 से 5 के वो चक्कर काटते रह जाते हैं। अगर आपको कुछ अलग करना है तो कुछ अलग सोचना है तो कुछ अलग करना है। इफ यू कीप डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग, यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट। अगर आपको कुछ अलग रिजल्ट चाहिए तो जो आज तक नहीं किया वैसा कुछ अलग काम, अलग मेहनत, अलग जुनून, अलग जोश, अलग पागलपन करना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल है। एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, लास्ट पॉइंट फोकस का एस, स्टे लॉक्ड ऑन टारगेट। जैसे एक मिसाइल एरोप्लेन से या मिसाइल लॉन्चर से छोड़ी हुई मिसाइल हीट सीकिंग, वो बराबर अपने टारगेट पे लॉक हो जाती है। फिर वो टारगेट कितना भी इधर उधर इधर भागे, वो मिसाइल अपना टारगेट छोड़ती नहीं है। आपको भी बस वही करना है। ठान लिया ना, डिसाइड कर लिया ना, ये मेरा पैशन है, इस फील्ड में मुझे आगे जाना है, ये मेरे रिसोर्सेस है, ये मेरे सारी आने वाली बाधाएं हैं जिनको, इन चेन्स को, इन चैलेंजेस को मुझे तोड़ना है। बस एक बार वो डिसाइड कर लिया ना, वो लॉक हो जाना है। टारगेट को तोड़ के रहना है, टारगेट को हासिल करके रहना है। माय डियर फ्रेंड्स, फोकस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू आर टुडे एंड व्हाट यू विल बिकम टुमारो। आज आप क्या है और कल आप क्या बनोगे, ये फोकस कितना करते हो उसके ऊपर डिसाइड होगा। मेरा नाम अविरत शेटे, रोज एक नया वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हो जाता हूँ। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो, आपको मजा आया, और फोकस कीजिएगा। और कभी नहीं हासिल किया ऐसा सक्सेस आप पा सकते हैं, प्लीज मेक श्योर दैट आप अपने आप पे भरोसा रखिए और मर मर मेहनत करने को, जीत तोड़ मेहनत करने को हमेशा तैयार रहिए। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम में आए। जरूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को कहिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने को कहिए। टिंग। थैंक यू। जय हिंद।